करेंगे। तो हमारे लिए प्रस्तुत करेंगे साथ चतुर्वेदी। नमस्ते, मेरा नाम सार चतुर्वेदी है। आज मैं आपके सामने कविता भारत को भारत रहने दो प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस कविता के कवि हैं श्री राजेश शेतल जी। इस कविता में कवि ने भारतीय गौरव और संस्कृति का बखान करते हुए हमें ये प्रेरणा दी है कि हम पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध को देखकर अपने पूर्वजों की धरोहर ना गवाए। शैली है पश्चिम की, यहाँ ना उसको बहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। निष्पक्ष होने बलिदानों से जिसको जग से मौर बनाया। भारत को सोने की चिड़िया सारी दुनिया ने बतलाया। मानवता हित पूर्ण विश्व को हमने गीता ज्ञान दिया था। जो भी आया हमने उसको भाई कहकर मान दिया था। देव पाणिनि धन्य धन्य है जब को अक्षर ज्ञान कराया। शून्य खोज भारत ने जब को प्रथम गणित का भान कराया। धनवंतरी ने सबसे पहले रोगों का उपचार किया था। संजीवन विद्या के द्वारा शव में भी संचार किया था। राजनीति का ज्ञान न मिलता, अर्थशास्त्र का जग में आता। भरत भूमि का चरक पत्र जो सारे जग को नहीं सिखाता। सुने संस्कृति के दुश्मन और नहीं पाखंड चलेगा। निष्पुरखों के दिव्य ज्ञान का भारत भू पर दीप चलेगा। बांध स्वार्थ के और ना बांधो, प्रेम की सरिता बहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। व्यवसायी बन आए गोरे, कूटनीति का दाव चलाया। घर की फूट हमें ले डूबी, भारत माँ को कैद कराया। अंग्रेजी धरे पर ही जब हमने शासन तंत्र बनाया। कुछ भूले भटके बेटों ने अपने हाथों देश चलाया। वो डाल निश्चिंत हुए हम बेफिक्री की नींद सो गए। भ्रष्ट हो गए शासक अपने नेता माला माल हो गए। हमने न्योता देकर खुद ही मल्टी नेशन को भुलवाया। खूब विदेशी चकाचौंध में अपने आंखों को चुंधियाया। वस्तु वास्तु उद्योग कभी सब हमने ही जग को सिखलाया। क्यों भूले अब निज गौरव हम, क्यों निज संस्कृति को ठुकराया। आयत चीजों का आखिर कब तक हम उपयोग करेंगे। और हमारे संसाधन का दोहन कब तक लोग करेंगे। अर्थतंत्र है विवश हमारा, जहाँ कर्ज का कस्ता जाता। सोने की चिड़िया भारत को ना विदेशी दस्ता जाता। जला विदेशी माल की होली, व्यर्थ विदेशी बहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। जय भारत, वंदे मातरम।